आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जितने भी हमारे टेक्नीशियंस भाई हैं, जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं या जो भी मैनेजर्स हैं, आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताते हैं कि जिससे कि हमारी जो एचवीएसी की जो ड्राफ्टिंग है ना, वो बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से हो जाए। तो काफ़ी लोग मतलब एफर्ट करते हैं, इंस्टीट्यूट यहाँ वहाँ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना सीखते हैं, लेकिन आउटपुट उनका क्या निकलता है? एंड ऑफ द डे दे कैनॉट परफॉर्म। हाँ, तो यहाँ पे पूरा जो ऑटोकैड में तो बहुत सारी कमांड होती है। अराउंड आप ये मान लीजिए कि 400 से ऊपर ही कमांड होगी ऑटोकैड में, लेकिन हमें पूरी सीखने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू बी बिकम एज ए एचवीएसी ड्राफ्ट मैन, है ना, अगर ड्राफ्टिंग आपको करना है, सीखना है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको 40 से 45 50 कमांड तक सीख जाते हैं तो यू विल बी बिकम एक्सपर्ट इन द एचवीएसी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग जो होती है, ड्राफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है या कुछ आपको स्मॉल मॉडिफिकेशन करना है, अगर आप एक इंजीनियर्स हैं या मैनेजर्स हैं, तो यू शुड नो अबाउट कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी पड़ती है। पहली चीज़ तो देखिए, जब हमें कोई लेआउट मिलता है ना, तो लेआउट बैकग्राउंड हमें सिविल जो आर्किटेक्ट का लेआउट मिलता है, तो उसके ऊपर ही हमें ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कुछ न्यू चीज़ें जो कि हम सिर्फ कमांड लाइन ही सिर्फ हम यूज करेंगे। सिर्फ कमांड देखिए कि हमने कंट्रोल जीरो प्रेस किया हुआ, तो स्क्रीन हमारी अभी आपको पूरा टूल बार, यहाँ पे जो आपका टूल बार है सारा दिखने लगा। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कंट्रोल देखिए जीरो हमने दबाया तो पूरी स्क्रीन क्लीन हो गई, जिससे कि ड्राइंग हमारी काफी बड़ी दिखने लगी है। ठीक है, आइए देखिए पहली चीज क्या होती है जब हम डकटिंग बनाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं अभी टाइप किया, ठीक है, हमने एल टाइप किया है, इंटर किया। अभी पूछ रहा है कि कहाँ पे लाइन आपको स्टार्ट करनी है। अगर मतलब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लाइन स्टार्ट किया, ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि कितनी बड़ी लाइन स्टार्ट की, मतलब कितनी बड़ी लाइन बनानी है आपको, 6 मीटर की, 5 मीटर की, 10 मीटर की, जितनी भी बड़ी लाइन आपको बनानी है। तो आप यहाँ पे जैसे इंटर द वैल्यूज, ये 5 5 मीटर आपने इंटर कर लिया। ठीक है, अब स्केप करके इसको हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक कमांड होती है PLI, इससे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने 5 मीटर लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने कंफर्म हो गया कि हमने 5 मीटर की लाइन ही बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। आज हम सीखेंगे सिर्फ कमांड, 3 या 4 कमांड सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूँ कि मैं इंटायर ड्राफ्टिंग आई विल बी कवर इट अगली वीडियो में। अगली से अगली वीडियो में भी कुछ आपको कमांड नए नए बताते रहेंगे। आइए देखिए, एल हमने टाइप किया, इंटर किया। अभी पूछ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, है ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने 5 मीटर की लाइन डाली, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अभी देखिए लाइन ले रहा है कंटिन्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, स्केप कमांड होती है ना, स्केप हम कर देंगे। ठीक है, स्केप करने के बाद अभी हम इसको कंफर्म कर देंगे DLI की कमांड से, सिर्फ देख लेंगे कि हमारी कितनी कितनी बड़ी लाइन है। ठीक है, 5 मीटर, देखिए 5 मीटर की लाइन हमें बनाई है। अभी नेक्स्ट कमांड हम आपको बता रहे हैं, कमांड होती है ऑफसेट होती है। ऑफसेट से जैसे ये पता चला, अभी हमारी डक्टिंग की जो विड्थ है, ड्राइंग हमेशा टॉप व्यू में बनती है, मतलब हम ऊपर से देखते हैं ड्राइंग को, है ना, तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमारी सिर्फ विड्थ जो होती है ना, विड्थ विड्थ नजर आती है, हाइट हमारी नहीं नजर आती है। हाइट हम कब हमें नजर आएगी, हम साइड व्यू बनाएंगे उसका, लेकिन ड्राइंग हमेशा टॉप व्यू में बनती है। ठीक है, आइए कमांड है हम आपको दिखाते हैं, ऑफसेट कमांड, ओ इंटर। अभी पूछ रहा है कि इस लाइन से ऊपर या नीचे, ठीक है, कहाँ पे आपको कितनी बड़ी रेक्टिंग बनानी है। मतलब मैं कह रहा हूँ भाई, चलो ठीक है, 707 रेक्टिंग बनाते हैं, हमने 700 की रेक्टिंग बनाई। यहाँ पे आप देखेंगे 700 की रेक्ट बन गई। तो आज हमने आपको 700 की रेक्टिंग बन गई। आइए ऑफसेट कमांड एक बार और देखते हैं। यहाँ पे हम ओ टाइप करेंगे, इंटर, डबल इंटर, ठीक, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 700 या जो भी व्हाट एवर यू वांट टू टेक, 900 हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसको हम DLI फिर से देखेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे कि जो वैल्यू हमने लिया है 900 mm इज फाइनल। ठीक है, अब देखिए एक्यूरेट हमने 900 mm लिया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम जाएंगे। अभी हमारी कितनी कमांड हो गई, एक लाइन कमांड हो गई, और लाइन हमने कैसे लिया था, एल हमने किया, प्रेस किया, जहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है आपको वहाँ से आप लाइन स्टार्ट करिए,
7 मीटर की लाइन लेनी है, 8 मीटर की लेनी है, जितनी बड़ी लाइन लेनी है आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, DLI करके इसको कंफर्म किया।